तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से आने वाले और एक प्रीमियम मिड रेंज स्मार्टफोन के बारे में, जो कि काफ़ी जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है रियलमी GT नियो गेमिंग के नाम से। गाइस, नाम से ही आपको पता चल गया कि ये फ़ोन जो है एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। तो गाइस, इस फ़ोन का जो है स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है एंड इसका प्राइस भी निकल के आ चुका है और डिज़ाइन भी रिवील हो चुका है। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी फ़ोन के फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कब तक आपको फ़ोन इंडिया में देखने को मिलेगा एंड क्या प्राइस होने वाला है इंडिया में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन के बारे में। तो आप लोग जो है फोन का बैक का डिजाइन देख सकते हैं, कुछ इस तरह का फोन का बैक का डिजाइन होने वाला है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा एंड डुअल LED फ्लैश लाइट आपको बैक में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एक ग्लास बैक बॉडी देखने को मिल सकता है। सो अगर बात करें फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको 6.62 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का। रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एक पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें फोन के कैमरा के बारे में, तो रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप होने वाला है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें फोन के बैटरी के बारे में, तो बैटरी यहाँ पर आपको 5000 mAh का देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर आपको 65W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अब अगर बात करें फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो गाइस ये एक गेमिंग फोन होने वाला है, तो परफॉर्मेंस इसमें आपको काफ़ी हैवी देखने को मिलेगा। गाइस, इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 870 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी पावरफुल चिपसेट है और यहाँ पर आपको Android 11 और Realme UI आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें रैम और रोम के बारे में, तो फोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। कनेक्टिविटी की बात करें, तो फोन में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS एंड USB टाइप सी पोर्ट, 5G सपोर्ट एंड 3.5mm ऑडियो जैक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको फोन में देखने को मिल जाएगा। तो अब अगर बात करें फोन के प्राइस के बारे में, तो फोन का जो बेस वेरिएंट है यानी 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसका प्राइस होने वाला है $499। उसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो पड़ जाता है लगभग ₹36,500। और जो 12GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है, उसका प्राइस $599 होने वाला है। उसे अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग पड़ जाता है ₹43,800। सो अब अगर बात करें फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस फोन के लॉन्च डेट के बारे में यहाँ पर कुछ भी निकल के नहीं आया है, लेकिन फोन जो है टीना वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है, यानी फोन जो हम लोग को काफी जल्द ही इंडिया में देखने को मिलेगा। तो यही एक छोटा सा जानकारी था आप सबके लिए। तो आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर इस फोन के बारे में आगे चलकर कोई भी न्यूज निकल के आता है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे आने वाले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।